Good morning, students. You are welcome in RCI Education Hub. Today we'll talk about the floral diagram, floral formula, and we can say floral symbols. और अपन देखने वाले हैं दो तीन फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन मेनली कौन सी फैमिली के बारे में बात करेंगे, मालवेसी फैमिली है. मालवेसी फैमिली के बारे में बात करेंगे अपन. ओके, सबसे पहले अपन फ्लोरल सिंबल्स देखते हैं कि फ्लोरल सिंबल्स होते क्या है. कि अपन ने फ्लावर के अंदर देखो, अपन ने फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम, गाइनोशियम और इसके अलावा जो है कैलेक्स, कोरोला, ये सारी स्ट्रक्चर्स देखी हैं. अपन ने देखा है कि फ्लावर को काटने पे से कहीं पे से तो जो है मल्टीपल प्लेन पे से कट रहा है, कहीं भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे से कट रहा है. उन सबको जो है कुछ पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. अब वो सिंबल्स होते क्या है वो अपन यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं अपन ब्रैक्टी. ब्रैक्स होते क्या है कि फ्लोरल बड के चारों तरफ बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं. वी कैन सी दीज आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, बहुत ही छोटी पाई जाती हैं, उनका अपन बोलते हैं ब्रैक्स. अगर ब्रैक्स फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज ब्रैक्टीड. उस फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, ब्रैक्टीड फ्लावर. रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, बी आर से. इसका सिंबल क्या है, बी आर. कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके अंदर ब्रैक्स जो है एबसेंट होती हैं, उनको अपन बोलते हैं ई ब्रैक्टीड. ई मीन्स एबसेंट, ब्रैक्टीड मतलब ब्रैक्स. ब्रैक्स मतलब फ्लावर के अंदर पाई नहीं जा रही है. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ई बी आर. इसके बाद में थर्ड आ रहा है, दैट इज एक्टिनोमोर्फिक. एक्टिनोमोर्फिक का मतलब है कि फ्लावर को आप किसी भी प्लेन पे से काट लीजिए, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स. दैट कंडीशन इज नोन एज एक्टिनोमोर्फिक. एक्टिनोमोर्फिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल के अंदर प्लस का मार्क हो. ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं जाइगोमोर्फिक. जाइगोमोर्फिक क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर फ्लावर को एक पर्टिकुलर प्लेन पे से काटने पर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है. हर कहीं पे से काटोगे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन ऑफ परसेंटेज. ये परसेंटेज के साइन से जो है रिप्रेजेंट होता है. इसके बाद में हम बात करते हैं बायसेक्शुअल. बायसेक्शुअल का मतलब होता है इफ द फ्लावर इज कंटेनिंग बोथ द वर्ड्स, मेल एंड फीमेल बोथ काइंड ऑफ वर्ड्स. इफ द फ्लावर हैज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ द स्ट्रक्चर्स, फ्लावर इज नोन एज बायसेक्सुअल. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के ऊपर एरो का साइन, नीचे प्लस का साइन. ओके, स्टैमिनेट का मतलब है यूनिसेक्सुअल. और यूनिसेक्सुअल में भी क्या प्रेजेंट है, स्टैमिन्स. इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के ऊपर एरो का साइन. ओके, पिस्टलेट का मतलब है कि फ्लावर के अंदर केवल पिस्टल ही प्रेजेंट है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड इट इज कंटेनिंग पिस्टल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन इज बिलो टू द सर्कल. इसके बाद में बात करते हैं एपिपेटलस. एपिपेटलस इन द सेंस एंथर्स आर कनेक्टेड टू द पेटल्स और एंथर एंड पेटल्स आर फ्यूज. दैट कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस. इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और सी को जो है फ्यूज कर देते हैं ऊपर या फिर सेमी सर्कल बना देते हैं दोनों के ऊपर. इसके बाद में पेरियन, लास्ट वाले लेक्चर से बताया था पेरियन क्या होता है. कैलेक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड, दीज आर नॉट डिफरेंशिएटेड एट विच वन इज कैलेक्स एंड विच वन इज कोरोला. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी. ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, पी के थ्रू रिप्रेजेंट होता है. ऑलराइट, इसके बाद में बात करते हैं कैलेक्स की. कैलेक्स अगर फ्री है तो उनके नीचे जितने भी जो है पेटल्स पाए जा रहे हैं वो लिख देते हैं उसके साइड के अंदर. इफ दीज आर फ्यूज, उस वाली कंडीशन के अंदर जो भी सेपल का नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. फ्यूज वाली कंडीशन के अंदर नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और फ्री वाली कंडीशन के अंदर जैसे हैं उसको वैसे के वैसे लिखते हैं. इसके बाद में कोरोला के अंदर भी ऐसे ही है, अगर फ्री है तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर फ्यूज है तो जो भी नंबर्स है उनको ब्रैकेट के अंदर अपन इग्नोर करने वाले हैं. इसके बाद में एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड्रोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड गाइनोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय जी. अब गाइनोशियम के अंदर तीन कंडीशंस आती हैं, ओवरी में भी सुपीरियर, ओवरी में भी इंफीरियर और ए ओवरी में भी हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ओवरी सुपीरियर. ओवरी सारे वर्ड से ऊपर पाई जा रही है. इसके लिए अपन क्या करेंगे, ओवरी के नीचे बार का साइन लगा देंगे या फिर एक जो है लाइन खींच देंगे. इंफीरियर के नीचे जो है, इंफीरियर का मतलब होता है कि ओवरी जो है इसके ऊपर सारे वर्ड्स पाए जा रहे हैं, ओवरी सबसे नीचे है. इसके अंदर जी के ऊपर अपन क्या लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे. हाफ इंफीरियर के कंडीशन के अंदर अपन जी के इक्वल में ही जो है एक लाइन खींच देंगे. इस तरीके से सुपीरियर, इंफीरियर और हाफ इंफीरियर को रिप्रेजेंट करते हैं.
इसके बाद में विल टॉक अबाउट अ फैमिली एंड दैट फैमिली इज मालवेसी फैमिली। अब अपन मालवेसी फैमिली के बारे में बात करते हैं और मालवेसी फैमिली के अंदर भी किसके बारे में बात करते हैं अपन, चाइना रोज। चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इज द बॉटनिकल नेम और बोटेनिकल नेम ऑफ चाइना रोज। सो इसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से पाया जा रहा है, फ्लावर के अंदर जो है कैलिक्स का अरेंजमेंट किस तरीके से पाया जा रहा है, कैलिक्स के अंदर जो है सेपल्स कितनी है नंबर के अंदर, दे आर फ्यूज्ड और दे आर फ्री। इसके अलावा वी विल आल्सो टॉक अबाउट द कोरोला, कोरोला के अंदर भी अपन बात करने वाले हैं कि जो पेटल्स हैं दीज आर फ्यूज्ड और फ्री, किस वे के अंदर ये अरेंज हो रही है। इसके अलावा वी विल आल्सो टॉक अबाउट एंड्रोशियम एंड एट द नेक्स्ट टाइम वी विल आल्सो टॉक अबाउट गाइनोशियम। इस आगे चलकर जो है अपन गाइनोशियम के बारे में बात करने वाले हैं। सो अपन एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं जिसको देखकर अपन इजीली आइडेंटिफाई कर लें कि किस तरीके से सारे वर्ड्स अरेंज हैं और वर्ड्स के अंदर स्ट्रक्चर्स अरेंज हैं। दैट डायग्राम इज नोन एज फ्लोरल डायग्राम। और ऐसा ही अपन एक फॉर्मूला भी क्रिएट करने वाले हैं और उस फॉर्मूले के अंदर भी अपन चीज़ों को सिस्टमैटिक वे के अंदर जो भी फ्लावर के पार्ट हैं उनको सिस्टमैटिक वे के अंदर अरेंज करने वाले हैं जिससे कि अपन इजीली आइडेंटिफाई कर लें कि किस वे के अंदर फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर्स अरेंज हैं। सो दैट फॉर्मूला इज नोन एज फ्लोरल फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना डिस्क्राइब अबाउट द ऑल द डिटेल्स। सबसे पहले सारी डिटेल्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द फ्लावर। फ्लावर कैसा होता है मालवेसी फैमिली के अंदर रोजा साइनेंसिस का, पेंटामेरस। इन द सेंस जितने भी वर्ड्स पाए जा रहे हैं ऑल वर्ड्स आर फाइव इन नंबर और फाइव के मल्टीपल होंगे, जो हैं सेपल्स भी फाइव होंगी, इसके अलावा पेटल्स भी फाइव होंगी, इसके अलावा गाइनोशियम के अंदर पिस्टल भी फाइव या फिर फाइव की मल्टीपल होंगी, और इसके अलावा एंड्रोशियम के अंदर स्टैमिन फाइव या फिर फाइव के मल्टीपल होंगे। इसके अलावा सेकंड कंडीशन रखी है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस इन द सेंस ऑल वर्ड्स आर अबाव द ओवरी, सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं ओवरी के अबाव हैं। इसके बाद में कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है फ्लावर इज कंटेनिंग ऑल द वर्ड्स, इट इज कंटेनिंग कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, नथिंग इज एब्सेंट इन द फ्लावर। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्टिनोमोर्फिक, इट मीन्स वी कैन से फ्लावर को आप किसी भी प्लेन पे से डिवाइड कर लो, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाउस, राइट। इसके बाद में कंडीशन आ रही है हर्माफ्रोडिट्स। हर्माफ्रोडिट्स का मतलब है फ्लावर इज कंटेनिंग बोथ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, इट इज कंटेनिंग एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ द थिंग्स, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रैक्टीरियड और इब्रैक्टीरियड। बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं चाइना रोज के जिनके अंदर ब्रैक्ट्स पाई भी जाती हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ब्रैक्ट्स पाई नहीं जाती हैं। तो अपन को यहाँ पे दोनों ही लिखनी है, ब्रैक्टीरियड वाली कंडीशन भी लिखनी है और इब्रैक्टीरियड वाली कंडीशन लिखनी है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिकैलिक्स। तो अपन बात करने वाले एपिकैलिक्स होते क्या हैं, फ्लावर के अंदर कैलिक्स के बाहर जो है ब्रैक्ट्स के अलावा भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है उनको अपन बोलते हैं एपिकैलिक्स। ये चाइना रोज के अंदर सेवन होती है नंबर के अंदर और सारी की सारी कैसी होती हैं फ्री, ऑलराइट। इट मींस दीज आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड पाई नहीं जाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कैलेक्स की। कैलेक्स जो है व्हाट आर द कैलेक्स, द सेपल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैलेक्स। देयर आर फाइव सेपल्स, सेपल्स कितनी पाई जाती हैं फाइव पाई जाती हैं। गैमोसेपल्स इन द सेंस ऑल सेपल्स आर फ्यूज्ड, सारी की सारी सेपल्स कैसी होती हैं फ्यूज्ड होती हैं। और एस्टिवेशन कैसे पाया जाता है, वेलवेट, वेलवेट इन द सेंस कोई भी सेपल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, बस वैसे ही मार्जिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेलवेट का मतलब होता है सेपल्स आर नॉट ओवरलैप्ड ईच अदर, दीज आर ओनली कनेक्टेड, मार्जिन आर जॉइंटेड टू ईच अदर, ऑलराइट। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कोरोला। कोरोला की, कोरोला जैसे होता क्या है, जो भी फ्लावर के अंदर पेटल्स होती हैं पेटल्स को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं कोरोला। देयर आर फाइव पेटल्स इन द नंबर, पॉलीपेटलस, पॉली इन द सेंस ऑल पेटल्स आर फ्री टू ईच अदर, दीज आर नॉट ओवरलैपिंग और दीज आर नॉट कनेक्टिंग टू ईच अदर। इसके बाद में अटैच टू द स्टैमिनल ट्यूब, जो भी फ्लावर होता है फ्लावर के अंदर एक ट्यूब होती है उसको बोलते हैं अपन स्टैमिनल ट्यूब, उससे जो है सारे के सारे कोरोला जो है क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी ये जो पेटल्स हैं इनके अंदर
these are overlapping to each other, one is completely inward and second is completely outward. इस तरीके से एक का margin ऊपर हो रहा है, एक का margin अंदर की तरफ हो रहा है. Then further we going to talk about androecium. Androecium के अंदर क्या होता है? The arrangement of stamens is known as androecium. These all stamens are found in a form of bundle. That's why these are monoadelphous. Monoadelphous का मतलब क्या होता है कि stamens किसकी form में पाए जा रहे हैं? कि bundle की form में पाए जा रहे हैं. इनके अंदर जो anther होता है, उसके अंदर केवल एक ही lobe पाई जाती है. That's why these are monothecous. Monothecous in the sense one lobe. Monoadelphous in the sense they are found in the form of bundle and this is number of bundle is only one. Epipetalous. Epipetalous का मतलब क्या है कि androecium ये जो भी stamens हैं, stamens किससे connected हैं? Corolla से connected हैं या फिर pistil से? Petal से connected हैं. इसके बाद में last word आ रहा है, that is the gynoecium. Gynoecium is the female word and its single unit is known as pistil. Pistils are pentacarpillary. We can see the number of carpels are 5. That's why these are pentacarpillary. Syncarpus in the sense all the carpels are fused to each other. All the carpels are fused to each other. That condition is known as syncarpus. Or exile placentation. Exile placentation in the sense in the ovary the ovules are jointed at the axis. Ovules जो हैं axis से जुड़े हुए हैं और ovary कैसी है? Multilocular. एक से ज़्यादा locules पाए जा रहे हैं ovary के अंदर. एक से ज़्यादा chambers पाए जा रहे हैं. Okay. And the ovary is superior. ovary जो है सबसे ऊपर पाई जाती है. सारे के सारे words जो हैं इसके नीचे पाए जाते हैं. So these all things are found in the flower and there is a systematic way in that way these are arranged. Now we gonna talk about the diagram. अब जो है अपन diagram के बारे में बात करने वाले हैं. So this is the flower. सबसे पहले अपन बात करते हैं इस सारे के सारे words जो हैं कैसे हैं. Tentamens. These are five number. Okay, दिख भी रहेंगे आपको. अपन बात करते हैं सेपल्स की. 1, 2, 3, 4 and 5 पांचों हैं. और अपन इसके बारे में बात करते हैं पेटल्स की. दीज आर ऑल्सो 5. 1, 2, 3, 4 and 5 दीज आर ऑल्सो 5. इसके बाद में अपन बात करते हैं एंड्रोशियम स्टैमेंस की. स्टैमेंस के अंदर अपन ये तो नहीं बोल सकते ये 5 है, बट वी कैन इजीली सी दैट दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5. ये 5 के मल्टीपल है. और नंबर के अंदर ये कितने पाए जा रहे हैं? इन्फिनिटी. नंबर के अंदर तो इन्फिनिटी है, बट ये है किसकी मल्टीपल? 5 के मल्टीपल. एंड सेम थिंग इज ऑल्सो हैपनिंग विद द गाइनोशियम. कार्पल्स भी कितनी है? 5 पाई जा रही है इसके अंदर. तो अपन बात करते हैं एपिकैलिप्स. एपिकैलिप्स में छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड दीज आर 7 ही नंबर. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 सारी की सारी कैसी है? 3. सो वी आर नॉट कनेक्टिंग टू ईच अदर. अपन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे इनको. इसके बाद में कैलिक्स के अंदर देखते हैं सेपल्स आर 5. सेपल्स कितनी है? 5. 1, 2, 3, 4, 5 गैमोसेपल्स इन द सेंस क्या है? सारी जुड़ी हुई है एक दूसरे से. 1, 2, 3, 4 and 5 हर में ये जो जॉइंटेड है दिख रहा होगा आपको. वेलवेट एस्टिवेशन पाया जा रहा है. इन द सेंस जुड़ी हुई तो है बट ओवरलैप नहीं कर रही है. जुड़ी हुई है लेकिन ओवरलैप नहीं कर रही है. आप देख सकते हो मार्जिन के अंदर. इसके बाद में बात करते हैं कोरोला. कोरोला के अंदर भी 5 पेटल्स पाई जा रही है. 1, 2, 3, 4 and 5 पाई जा रही हैं. पॉलीपेटलस इन द सेंस दीज आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है. इसके अलावा अटैच टू स्टैमाइनल ट्यूब. स्टैमाइनल ट्यूब से जुड़ी हुई लिंक आपको दिख रहा होगा पेटल्स और जो है एंड्रोशियम के बीच में पाया जा रहा है. आई एम ड्रॉइंग लाइन. जो लाइन दिख रही है दैट इज इट मीन्स दीज आर कनेक्टेड टू द स्टैमाइनल ट्यूब. ओके. ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन द सेंस कि मार्जिन जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. इसका मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है. इसका मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है. इसका मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है. रिमेंबर वन थिंग, दीज आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर बट दीज आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है ये. ओके. इसके बाद में बात करते हैं एंड्रोशियम. मैनी इट मीन्स वी आर नॉट काउंटिंग कितने स्टैमिन जो है इसके अंदर पाए जा रहे हैं. एंथर इज मोनोथिकस. एंथर के अंदर केवल एक लोब पाई जा रही है. मोनोडेल्फस केवल एक ही बंडल है. आपको दिख भी रहा होगा ये सर्कुलर वे के अंदर देर इज ओनली सिंगल बंडल. ओके. एपिपेटलस इन द सेंस दीज आर कनेक्टेड टू द पेटल्स. ये दिख भी रहा होगा ये लाइन पे हो रही है. ये पेटल से कनेक्टेड है. ओके. देन फर्दर वी गोना टॉक अबाउट गाइनोशियम. पेंटाकार्पलरी देर आर 5 कार्पल्स. 1, 2, 3, 4, 5 ओके. 5 इन नंबर.
सिक्स कार्बन्स सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई है, राइट। एक्साइल प्रेजेंटेशन सेंटर के अंदर ओवरी पाई जा रहा है, ओवरी कैसी है, मल्टीलोक्युलर, ओके, ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी इज अबाउट ऑल द थिंग्स, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थिंग्स दो आर रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम, सारी की सारी चीजें इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस डायग्राम इज नोन एज फ्लोरल बैकग्राउंड। और यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्ट्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ओके। दिस इज एक्टिनोमोर्फिक, दिस इज बाइसेक्सुअल, दिस इज एपिकैलेक्स, एंड कैलेक्स आर हाउ मेनी नंबर, सेवन, दिस इज कैलेक्स, एंड कैलेक्स के अंदर भी कितनी पाई जा रही है, सेपल्स, फाइव, ऑल आर फ्यूज्ड, फ्यूज का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर, ये है कोरोला, कोरोला के अंदर कितनी पेटल्स पाई जा रही है, फाइव, फाइव फ्री है इसलिए ब्रैकेट नहीं बनाया है, ये क्या है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर अपने देखा है दीज आर स्टैमिन्स, स्टैमिन्स के नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट, और सारे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। दिस इज गाइनोशियम, गाइनोशियम कैसा है, गाइनोशियम के अंदर ओवरी कैसी है, सुपीरियर, इसलिए अपने नीचे लाइन ड्रॉ कर दी है, ओके। और गाइनोशियम के अंदर पिस्टल के नंबर कितने हैं, फाइव, फाइव इसलिए फाइव लिख दिया है, और ब्रैकेट का मतलब है सारी कैसी है, फ्यूज्ड है, ये लाइन दिख रही है आपको सी और ए के ऊपर, इन द सेंस एंड्रोशियम इज कनेक्टेड टू द, एंड्रोशियम इज कनेक्टेड टू द कोरोला, राइट, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इन दिस। सो दैट इज द फ्लोरल फॉर्मूला, एंड दिस वन इज द फ्लोरल डायग्राम, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर, एंड दीज आर द सिंबल्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद में जो आपका मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ये कंप्लीट हो चुका है, देन फर्दर विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एनाटोमी ऑफ एनिमल्स, ओके। एनाटोमी के बारे में बात करने वाले हैं अपन, जिसके अंदर टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। मोर्फोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, टॉपिक्स क्या थे, फ्लोरल सिंबल, फैमिली मालवेसी, नंबर चाइना रोज, डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइना रोज, एंड दिस इज फ्लोरल डायग्राम, एंड दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। क्या बढ़िया है सर, आप बताइए।